डीजीपी सुमेत सैनी दी पेशगी जमानत दी अर्जी ते फैसला राखवां। पंजाब पुलिस दे चर्चित साबका डीजीपी सुमेत सिंह सैनी वल्लों मोहाली दी अदालत विच पाई गई पेशगी जमानत दी अर्जी ते मानयोग जज वल्लों फैसला राखवां रख लिया गया है। इस मामले विच सोमवार नूं अपना फैसला सुनाया जाएगा। इत्थे एह जिक्रयोग है कि मोहाली पुलिस वल्लों पंजाब पुलिस दे साबका मुखी श्री सुमेत सैनी दे खिलाफ 1991 विच एक साबका आईएएस अधिकारी दे पुत्तर दे अगवा मामले विच बीती 6 मई नूं थाना मटोर विच आईपीसी दी धारा 364, 201, 344, 330, 219 अते 120 बी दे तहत दर्ज कीते गए मामले विच श्री सैनी वल्लों मोहाली अदालत विच पेशगी जमानत दी अर्जी दित्ती गई सी। बीते कल अदालत ने साबका डीजीपी नूं पेशगी जमानत देने की अर्जी ते सुनवाई कर दिया। पुलिस नूं 9 मई नूं रिकॉर्ड पेश करन लई नोटिस जारी किया गया सी। इस मौके श्री सैनी वल्लों पेश होए वकीलां श्री एपीएस देओल अते सरदार एचएस नोआ वल्लों श्री सैनी नूं बेकसूर दसदिया उन्हां नूं पेशगी जमानत देने की गल कीती गई, जदों कि श्री सैनी दे विरोध विच पेश होए श्री प्रदीप विर्क ने कहा कि जमानत ना दिती जावे क्योंकि श्री सैनी बहुत असरदार व्यक्ति हन अते जेकर ओह बाहर रहे ता इस मामले ते असर पा सकदे हन। इस मौके अदालत दे बाहर दोवां धिरां दे वकीलां ने पत्रकारां नाल वक्खो वक्खरी गलबात दौरान कहा, साडी दलील इहदे च इह सी इह वी पहली गल तां 29 साल दी डिले जिहड़ी एक्सप्लेन नहीं हुंदी, अज तक एक दिन दी वी डिले एफ आई आर च बड़ी फेटल हुंदी है। इहदे च 29 साल दी डिले जिहड़ी आ या ना अनएक्सप्लेनड आ, क्योंकि पहला ही ये फादर ने जो चाराजोरी करनी सी वो आई एस अफसर से, एक ये जड़ा लड़का मुल्तानी है जड़ा कंप्लेनेंट का भरा वो आई एस अफसर का लड़का है, वो इतने सर्विंग अफसर से पंजाब स्टेट से, उन्होंने लड़का से कोई ऑर्डनरी नहीं सी सिटीजन, वो फादर ने यह सारी कंप्ले पहला 1991 जो हैपनिंग हुई तो उन्हें पहला हाईकोर्ट भी पटीशन की, बाद भी उन्होंने इतने सारी अपनी लीगल रेमेडीज अपन एक्सरसाइज की जो कुछ वो नहीं इस्टैबलिश होया तो कोर्ट ने कोई केस रजिस्टर वो नहीं किया, क्योंकि वो जी वो पटीशन सी वो कोई एलीगेशन नहीं पाया गया सी जिहड़ा कि ये तथ्यों को प्रूव करता हो जां ईवन प्रेमपसा इस्टैबलिश करता हो, इसलिए वो सारा मैटर क्लोज हो गया। फिर पटीशन इन्होंने 482 दोबारा पाई जिदे हाई कोर्ट ने कॉन्जेंस लेके एफ आई आर दर्ज करती इस तथ्यों पर कि एफ आई आर ऑलरेडी दर्ज 2008 च पुलिस ने की सीबीआई ने, लेकिन सुमेर सिंह सैनी ने ऑर्डर चैलेंज किया कि जी ये ऑर्डर गलत आ, पहला ही यदि पटीशन हाई कोर्ट डिसमिस हो चुकी है फादर की, यह जी 482 की पटीशन हूँ इन्हें 2008 की है ये कोई सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लंबी 50 पेज की जजमेंट ये होल्ड करता कि भई ये एफ आई आर जी है नॉन एस का, एक कोर्ट को कोई जुरिसडिक्शन नहीं सी दोबारा एफ आई आर दर्ज करन दी, ते इस करके ये एफ आई आर क्वैश की जाती है। सो वो एफ आई आर ही क्वैश होगी जी, ये एफ आई आर आ जे तथा पर हम दूजी एफ आई आर की आ, पहला एफ आई आर ऑलरेडी जे सुमेर सिंह सैनी सुप्रीम कोर्ट से क्वैश हो चुकी है, वो ऑर्डर फाइनल हो चुका, वो सन 2011 च होया, 2011 च एफ आई आर क्वैश होगी सी बी आई की, फिर दोबारा एफ आई आर करने का की मतलब है, ये साड़ी दलील सी वो भी 2000 जज ने दोनों पासे सुनिया जी, सानू भी सुनिया, दूसरी पार्टी नू कंप्लेनेंट नू भी सुनिया, कंप्लेनेंट दे भी काउंसल आए सीगे जी, उन्होंने भी सुनिया ते सुन के हुण जजमेंट रिजर्व कीती है और प्रनाउंसमेंट ओदा ऑर्डर सुनाउण वास्ते सोमवार नू। इसमें सुमेर सिंह सैनी के क्रेडेंशियल्स हाईलाइट किए हैं, सुमेर सिंह सैनी अपने आप को हमेशा एक अपराइट ऑफिसर शो करने की कोशिश करता है जिहड़े सच्चाई तो बिल्कुल उलट है। असीं इहदे विच क्लीयरली आ गल शो कीती है कि किस तरह जिहड़े भी जिथे तक सुमेर सिंह सैनी एविडेंस टैंपर कर सकता है, इंटीमिडेट कर सकता है विटनेसिस नू या कंप्लेनेंस नू डरा सकता है, वो चीज़ करता है और उही चीज़ एक एंटीसिपेटरी बेल डिसाइड करने लई जरूरी सी। उहदे विच असीं सारा रिकॉर्ड लाया है किस तरह यूनाइटेड नेशनस की जनरल असैम्बली ने भी एक रेजोल्यूशन दे विच सुमेर सिंह सैनी की एट्रोसिटीज़ नू हाईलाइट किया है कि किस तरह इन्हें ह्यूमन राइट्स वायलेशनस की हैं, किस तरह ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस झांजी जिहड़े 1995 दे जिन्होंने केस सीबीआई दा सैनी दे अगेंस्ट सीबीआई ट्रांसफर किया, किस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने थ्रेटन किया गया और उन्होंने केस तो डेटर करन की कोशिश की गई है, किस तरह उन्होंने तो केस ट्रांसफर करवाने की कोशिश की गई है, भावें अजीत सिंह फूला निहंग भेज के या उसके बंदे भेज के उन्होंने इंटीमीडिएट करन की कोशिश की गई है,
वो सारा जजमेंट के रिकॉर्ड असी जजमेंट भी अनैक्स की है। फिर असी जी डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल वालों पब्लिश होया कि जस्टिस क्लीयर सिंह ठाकुर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस से उस वेले और बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने चिट्ठी लिखी सी जिदे विच उन्होंने कहा कि इलीगल फोन टैपिंग के इशू में रैफर किया जिदे विच सुमेध सिंह सैनी का नाम आ रहा है। उस लैटर नूं असी रैफर किया है कि सानू आज न्यूज़ चैनल तो आया सी और उहदे विच किस तरह सुमेध सिंह सैनी दे इलीगल फोन टैपिंग का एक्शन होया। उस तो अलावा असी यह शो किया कि किस तरह दिल्ली CBI ट्रायल दे विच भी यह इन्फ्लुएंस कर रहा है, विटनेसिस नूं एविडेंस टैंपर करने की कोशिश की जा रही है। तो वह सारिया चीज़ा हाईलाइट करदे होए असी इस कोर्ट नूं यह चीज़ शो की है अज ऑनरेबल कोर्ट नूं कि जे अज भी सैनी नूं अरैसट ना किया गया यदि कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं हुई तो इंसाफ डिले हो जाऊगा। फॉर द रीजन सैनी तू कस्टडी लैके उदों तो सच्चाई पूछना उन्हें इंटरोगेट करना बहुत जरूरी है। 29 साल सैनी ने इस केस को शुरू होने तो रोके रखा तो बहुत जरूरी है। तो मैं कहनी चाहूँगा कि सैनी वालों तुम वेखो उन्होंने इनफॉर्मेशन भी मिल रही कि FIR रजिस्टर हुई है चंडीगढ़ के 7 PM तो 7 AM तक जो कर्फ्यू है उस कर्फ्यू दौरान 4 AM तो उन्होंने हिमाचल के बॉडर से रोकया गया है। सो यह तो वो लॉ की उन्होंने परवाह है जिन्हें जजेस नूं इंटिमिडेट करता निहंग पूले दे नाल जिहड़ा एक कन्विक्ट सी उहदे नाल लिंक्स रखे और करफ्यू दे विच भजदा है वो क्लीयरली शो करता है कि सुमेध सिंह सैनी नूं लॉ की किन्नी क परवाह है। वो चीज़ असी पूरी एक्सप्लेन की थी। मैम दो बारी प्रोसीक्यूशन तो नहीं है बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दिती सी कि फ्रैश प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हो जो आर्टिकल 20 Clause 3 के विच है उस प्रोवाइडेड है प्रोसीक्यूटिड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। पनिशमेंट तो होगी जो प्रोसीक्यूशन होंगी। इतने तो सैनी के खिलाफ FIR हुई सी उस FIR के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स बिना टच किए क्वैश करता और ये लिबर्टी दिती कि तुम फ्रैश प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हो। तो जो लिबर्टी देती तो सैकेंड FIR का सवाल ही नहीं उठता, वो तो कोर्ट ने ही परमिट करती। ऑनरेबल कोर्ट ने ही परमिट करता कि तुम दोबारा कंप्लेट दो तो प्रोसैस ऑफ लॉ इन मोशन सैट हो जूगा। अज एक एडवोकेट ने मिसिज GK मान वो अपीयर हुई सी ऑनरेबल कोर्ट के कि शी वॉज एन आई विटनैस इस इंसीडेंट नू मुल्तानी के टॉर्चर उन्होंने अज कोर्ट के दसिया है कि वो आई विटनैस सके और यह भी कहा कि पुलिस ने अजे उन्होंने स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड की ना उन्होंने समन किया। ओबियसली अजे तो FIR ही रजिस्टर हुई और सैनी नाल दी नाल एंटीसिपेटरी बेल से आ गया। सो ओबियसली अजे तक किसी विटनैस का भी नहीं पता कि समन जाने हैं कि नहीं, वी हैव नो आइडिया। सा अरेस्ट तो स्टे अजे नहीं है, ऑनरेबल कोर्ट ने अरेस्ट स्टे नहीं की बट ऑर्डर्स रिजर्व किए। मानयोग जज मोनिका गोयल ने दोवां धीरां दीआं दलीलां सुनन तो बाद इस मामले ते फैसला राखवां रख लिया है अते हुण इस संबंधी फैसला सोमवार नूं सुनाया जावेगा। जेकर तुहानूं साडा चैनल पसंद आया है तां इस नूं सबसक्राइब जरूर करो अते घंटी दा स्विच आन करो तां जो साडीआं खबरां तुहानूं लगातार मिलदीआं रहण। स्काई हैक टाइम्स लई पवन रावत दे नाल जसविंदर सिंह दी रिपोर्ट।